गुड मॉर्निंग दोस्तों, थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है। दोस्तों जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, ईश्वर करे वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें, वृद्धि करे, विकास करे। और जिन्होंने मेरे चैनल को फिर से देखना शुरू किया है, नया ज्वाइन किया है, उसके लिए ढेर सारा प्यार। आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। दोस्तों आज आपके लिए वास्तु संबंधी आवश्यक जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वास्तु एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हमारे घर का वास्तु अच्छा रहता है तो हमारा जीवन सुखमय आनंद से बीतता है। अगर कोई भी हमारे घर में वास्तु दोष है या तकलीफ है तो हमारा जीवन जो है बहुत कष्टमय हो जाता है, बहुत ही तकलीफमय हो जाता है। इसके लिए आज मैं आपसे वास्तु टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसको आप अपनाकर आप अपने घर में खुशी खुशी रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं और अपना लॉन्ग लाइफ अच्छे से और आनंद से बिता सकते हैं। दोस्तों पहला है भूमि का ढलान उत्तर और पूर्व दिशा में तथा छत की ढलान ईशान में शुभ होती है। दूसरा भूखंड के उत्तर पूर्व या ईशान में भूमिगत जल स्रोत बोरिंग कुआं तालाब और बावड़ी शुभ होता है। तीसरा है आयताकार वृत्ताकार व गोमुख भूखंड गृह निर्माण के लिए बहुत शुभ होता है। वृत्ताकार भूखंड में निर्माण भी वृत्ताकार ही होना चाहिए, तभी वो शुभ माना जाएगा। चौथा है सिंहमुखी भूखंड व्यावसायिक भवन हेतु बहुत शुभ होता है। पांचवा है भूखंड का उत्तर एवं पूर्व या ईशान कोण में विस्तार शुभ होता है। छठवा है भूखंड के उत्तर या पूर्व मार्ग में शुभ होता है। दक्षिण या पश्चिम में मार्ग व्यापारिक स्थल के लिए शुभ होते हैं। सातवा है यदि आवासीय परिसर में बेसमेंट का निर्माण कराना हो तो उसे उत्तर या पूर्व के ब्रह्म स्थान को बचाते हुए बनाना चाहिए। बेसमेंट की ऊंचाई कम से कम 9 फीट होनी चाहिए और वह तल से 3 फीट ऊपर होना चाहिए, जिससे उसमें प्रकाश और हवा का निर्बाध रूप से आवागमन हो सके। आठवां है भवन के प्रत्येक मंजिल के छत पर ऊंचाई 12 फीट होनी चाहिए, किंतु यह 10 फीट से कम कदापि नहीं होनी चाहिए। नौवां है भवन का दक्षिणी भाग हमेशा उत्तरी भाग से ऊंचा होनी चाहिए एवं पश्चिमी भाग हमेशा पूर्वी भाग से ऊंचा होना चाहिए। भवन के नैऋत्य सबसे ऊंचा और ईशान सबसे नीचा होना चाहिए। दसवां है खिड़कियां घर के उत्तर या पूर्व में अधिक, दक्षिण या पश्चिम में कम संख्या में होनी चाहिए। ग्यारहवां है घर के ब्रह्म स्थान को खुला साफ सुथरा हवादार होना चाहिए। बारहवां है चार दीवारी के अंदर सबसे ज़्यादा खुला स्थान पूर्व में रखना चाहिए, क्योंकि सर्वोदय के समय सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो शरीर को ऊर्जा बढ़ाता है और स्वस्थ रखता है। सूरज घड़ी के अनुसार पूर्व में उदय होकर दोपहर में दक्षिण एवं शाम में पश्चिम की ओर अस्त होता है। पूर्व में कम स्थान, उत्तर में उससे भी कम स्थान, पश्चिम में सबसे कम स्थान, दक्षिण में छोड़ना चाहिए। दीवारों की मोटाई सबसे ज़्यादा दक्षिण में उससे कम पश्चिम में, उससे कम उत्तर में और सबसे कम पूर्व दिशा में होनी चाहिए। तेरहवां है घर के ईशान कोण में पूजा होना चाहिए, पूजा घर होना चाहिए। कुआं, बोरिंग, बच्चों का कमरा, भूमिगत वाटर टैंकर, बरामदा, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और बेसमेंट बनाना शुभ होता है। चौदहवां है घर की पूर्व दिशा में बरामदा कुआं बागीचा पूजा घर बनाया जा सकता है। घर में आग्नेय कोण में रसोई बिजली के मोटर जनरेटर इन्वर्टर और मेन स्विच लगाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में मुख्य शयन कक्ष भंडार गृह सीढ़ियां एवं ऊंचे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। घर के नैऋत्य कोण में शयन कक्ष भारी एवं कम उपयोग के सामान का स्टोर सीढ़ियां ओवरहेड वाटर टैंक शौचालय और ऊंचे वृक्ष लगाए जा सकते हैं जो शुभ माने जाते हैं। पंद्रहवां है घर के बाह्य कोण में अतिथि घर कुंवारी कन्याओं का शयन कक्ष लिविंग रूम
ड्राइंग रूम, सीढ़ियाँ, अन्न भंडार एवं शौचालय बनाने जा सकते हैं। 16वां है, घर की उत्तर दिशा में कुआं, तालाब, बगीचा, पूजा घर, तहखाना, स्वागत कक्ष, कोषागार एवं लिविंग रूम बनाए जा सकते हैं। 17वां है, भवन के द्वार के सामने मंदिर, खंबा, गड्ढा अशुभ होते हैं। 18वां है, सोते समय सिर पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ पैर होना चाहिए अथवा मनांतर के अनुसार घर के पूर्व दिशा में ही सिर कर सोना चाहिए। 19वां है, घर के पूजा स्थान में 7 इंच से बड़ी मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए। यदि पहले से है तो उसकी विधि विधान पूजा करना चाहिए, नहीं तो उसे विसर्जित कर देना चाहिए। 20वां है, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की देव की प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिक राम कदापि नहीं रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए वास्तु से संबंधित जानकारी दी। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको अपनाइए, क्योंकि अगर वास्तु संबंधी चीज़ें अगर हम मानते हैं, उसको अपनाते हैं, तो हमारा घर स्वर्ग जैसा सुखी रहता है, आनंदपूर्ण रहता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।